पिछले साल भिवंडी शहर के पटेल कंपाउंड में जिलानी बिल्डिंग अचानक ढह गई, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन आज अरसा बीत जाने के बाद भी इस इमारत का मलबा जैसे का तैसे ही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के रहवासियों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी खबर स्थानिकों ने स्थानिक नगर सेवक सुमित पाटिल को दी, जिसके बाद सुमित पाटिल ने अपने सहयोगियों के साथ परिसर का दौरा किया, जहां पर इस मलबे के कारण पास पड़ोस के नाले जाम हो गए हैं और स्थानिकों के घरों में गंदा पानी जा रहा है। दौरा करने के बाद सुमित पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटवाने के लिए मनपा आयुक्त से मुलाकात की जाएगी और परिसर का मुआयना भी आयुक्त से करवाया जाएगा। अगर इस विषय को आयुक्त और संबंधितों ने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया तो पूरे परिसर की जनता मनपा में जाकर जन आंदोलन करेगी। यहाँ पे दिलशाद भाई, केके जी, शाही देव, सभी जो ग्रुप है पटेल कंपाउंड का, आज उन्होंने दरखास्त की कि आज पटेल कंपाउंड में आज आके जो मलबा गिरा था, पिछले साल जो जिलानी बिल्डिंग गिरी थी, उसकी परिस्थिति आज मैं देख रहा हूँ कि वैसे की वैसे ही है। कमिश्नर साहब बोलते हैं कि ये जो मलबा उठाने का जो खर्चा हुआ है वो जो देगा उसके बाद वो, अरे ये तो कोई सिस्टम है ही नहीं। कोई भी कॉरपोरेशन में ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो मलबा उठाने वाला आदमी वो पैसा दे के मलबा लेके जाएगा, उसका टेंडर करो तुम लोग। कुछ तो कार्य पद्धति होती है कि नहीं काम करने की। आप आईएएस ऑफिसर हो, आप ऐसे करोगे, लोगों की भावनाओं का विषय है, यहाँ पे जितने लोग मरे उसका तो ख्याल करो। इतने सालों में इतना बड़ा हादसा भिवंडी में मेरे ख्याल से तो आज तक हुआ नहीं, और भगवान के कर्म से होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज यहाँ पे परिस्थिति ऐसी है कि मलबे के वजह से पिछले जो आगे पीछे जो बिल्डिंग है उनका पानी पास नहीं हो रहा है, सब उनका जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है वो सब अटका है, पानी किधर भी पास नहीं, वो पानी वापस उसके इसमें जा रहा है, प्लिंथ में जा रहा है, मतलब वो बिल्डिंग की भी प्लिंथ कमज़ोर हो रही है। ये आगे करके और एक जिलानी बिल्डिंग का हादसा होना चाहिए क्या? मैं आपके माध्यम से माननीय कमिश्नर साहब को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका निर्णय लो, जल्द से जल्द ये मलबा उठाने का काम कॉरपोरेशन करे और लोगों को बचाने का काम करे। ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं जिनके साथ हादसा हुआ उनको पता है कि गए साल की परिस्थिति यहाँ पे क्या थी। सब आके गए, मंत्री, पालक मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है ना। सामने ये बिल्डिंग है, इसका तोरण ने मीटर काट के रखा है, मतलब वो लोग भी खाली करके जाए। अभी इसको बन के कितना साल हो गए? 7-8 साल हो गए। अभी कॉरपोरेशन ऐसे सब जगह पे जागती करेगी तो नहीं चलेगी ना, लोग कहाँ पे जाएंगे? और कोविड का समय है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो तुम बोलोगे कोई कॉन्ट्रैक्टर आए और वो मलबा लेके जाए, तो कॉरपोरेशन की कुछ जवाबदारी नहीं है? तो कॉरपोरेशन ने समझना चाहिए, प्रशासन ने समझना चाहिए। ये बात हम महापौर को भी बोलेंगे, माननीय खासदार साहब, माननीय आमदार साहब, दोनों को भी बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आने वाले बारिश में ये मलबा वापस बारिश होने के बाद फैलने वाला है, तो साफ कौन करेगा? वो सफाई कर्मचारी बोलेंगे हमारा काम नहीं मलबा, वो बोलेंगे हम गटर पे है, कोई बोलेगा सैनिटाइजर पे है, कोई इस पे है। तो ये सब कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन की जवाबदारी, कहीं ना कहीं जवाबदारी से हाथ झटकने का काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो हम यहाँ के नगर सेवक के चारों, महेंद्र गायकवाड़ है, संतोष जी है, केके जी, मैं है, दीक्षा दे, ये सभी लोग, अगर इन लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो हम लोग रास्ते पे बैठेंगे या यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम हम लोग महासभा में, नहीं तो आने वाले महासभा में मैं ये विषय लेने वाला हूँ, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पूरा पटेल कंपाउंड लेके कॉरपोरेशन के गेट के सामने जाना पड़ेगा अभी।